जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को गुरु ग्रह की शांति के लिए और शनि ग्रह की शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए, नाग दोष की शांति के लिए, ओ काल सब दोष की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। परंतु अब प्रश्न यहां पे ये आता है कि बहुत से मनुष्य, बड़े बड़े शहरों वाले या छोटे मध्यम शहर वाले, वो बहुत से लोग अपने परिवार की महिलाओं को, सदस्यों को घर के बाहर नहीं निकलने देते, तो पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करें? तो उनने क्या किया कि गमले में ही पीपल लाके लगा दिया, और गमले में पीपल लाके लगा दिया उसकी पूजा करवा रहे हैं। गमले में जो पीपल लग जाता है या बोनसाई पौधा पीपल का होता है, उसकी पूजा नहीं की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा होती, नॉट पीपल के पौधे की। गमले में जो पीपल का वृक्ष होता है वो बहुत छोटा होता है, वो वृक्ष नहीं होता, वो पौधा होता है। और शास्त्र में पीपल के वृक्ष की पूजा लिखा है, पौधे की पूजा नहीं लिखी है। टेक्निकल बात है या सोचने वाली बात है। तो मैंने कई घरों में जाके भी देखा कि साहब हमने तो घर में ही जो है पीपल लगा लिया, आंवला लगा लिया, गमले में लगे हुए हैं और उन्हीं के नीचे दीपक लगा रहे हैं। तो आपकी वो पूजा स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि पीपल का वृक्ष इतना मोटा होना चाहिए तना उसका कि आप अपनी बाहों में नहीं भर सकते हो। बाहों में हम नहीं भर सकते, इतना मोटा तना होना चाहिए। और यदि इतना मोटा तना नहीं है तो उसकी पूजा नहीं की जाती है। तो बहुत से मनुष्य पीपली की पूजा कर रहे हैं। एक तथ्य तो क्या हो गया कि पीपल की पूजा करने से किस किस को फायदा होता है? जिसका गुरु ग्रह खराब हो, जिसका शनि ग्रह खराब हो, जिसको नाग दोष हो, जिसको प्रेत दोष हो, जिसको काल सब दोष हो, उनके लिए पीपल की पूजा करना लिखा है। या फिर जिनके घर में दरिद्रता का वास है, तो दरिद्रता को, अपने घर की दरिद्रता को पीपल में रहने वाली दरिद्रता तक पहुंचाया जाता है। अब आपको हो गया कि घर की परिक्रमा, घर के अंदर रहने वाली जो दरिद्रता है उसे हम पीपल के वृक्ष के अंदर रहने वाली, तने में रहने वाली, जड़ में रहने वाली दरिद्रता तक कैसे पहुंचाएं? तो सबसे पहले एक तो आप ये चेक करो कि पीपल वृक्ष एक तो पुराना होना चाहिए, उसमें की गई पूजा बहुत जल्दी सार्थक होती है। और पीपल हमेशा किसी सार्वजनिक भूमि पर, मंदिर वगैरह में लगा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उसकी छाया किसी देवी पर, किसी देवता पर, हनुमान जी पर, शनि देव पर पड़ना चाहिए,
तो वह पीपल का वृक्ष भी जागृत माना जाता है। और जो मनुष्य पीपल को काटता है उसके यहां पे वंश का नाश हो जाता है, मत मानो। और कष्ट भुगतने के लिए, वंश का नाश के लिए आप तैयार रहो, किसी न किसी तरह आपके घर का वंश चलाने वाला जो भी लड़का होगा उसकी मृत्यु अकाल मौत होती है। मैं कह रहा हूं ना, आप किसी भगवान को मत मानो और पीपल काट दो, तो आपके कुल का नाश एक जन्म नहीं तो अगले एक पीढ़ी के बाद तो अवश्य हो ही जाएगा। किसी की ताकत नहीं जो आपके वंश को चला सके। फिर इसलिए पीपल की पूजा करते हैं। और पीपल दो प्रकार के होते हैं, एक पीपली होती है, एक पीपल होता है। शास्त्र में पीपल की वृक्ष की पूजा लिखा गया है, पीपल के पौधे की पूजा नहीं लिखी गई है। अब पीपल का वृक्ष जब बड़ा होता है तो उसमें जटा निकलती है, दाढ़ी निकलती है, दाढ़ी, तो वो पीपल वृक्ष होता है। और जिस पीपल के वृक्ष में दाढ़ी नहीं निकलती हो वह पीपली होती है। अब जिसको नहीं मालूम है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम बता सकते हैं कि पीपल का वृक्ष है या पीपली है। तो बहुत से मनुष्यों को हमने देखा, वो पीपली की पूजा कर रहे हैं, गमले के अंदर लगे हुए पीपल के वृक्ष पौधे की पूजा कर रहे हैं, तो फल कहां से मिलेगा? तो गुरु ग्रह की शांति, बृहस्पति ग्रह की शांति और प्रेत दोष की शांति, पितृ दोष की शांति और कालसव दोष की शांति और शनि ग्रह की शांति यदि मनुष्य को करना है तो उसे एक सरकारी जमीन पर जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, पेड़ कटने की संभावना नहीं हो, ऐसी जगह पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में उस जगह कोई मंदिर वगैरह बन करके उस पीपल के वृक्ष की पूजा हो सके। और पीपल का वृक्ष लगाना है, पीपली नहीं लगाए। पीपल के वृक्ष की पूजा सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मैंने धन प्रेमी बंधुओं को देखा है वो ब्रह्म मुहूर्त में भी जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा देते हैं, जो गलत है। यदि हम पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें 12 बजे के आसपास पूजन करना चाहिए। यदि हम पितृ दोष, प्रेत दोष, काल सब दोष की पूजा कर रहे हैं तो सूर्यास्त के पहले पहले पूजन कर लेना चाहिए, ताकि पीपल के वृक्ष की महत्वता बनी रहे। और पीपल के वृक्ष बहुत सी जगह देखा है, बहुत से मकानों पर उगाते हैं, तो जो पानी की टंकी के आसपास पीपल का वृक्ष उग जाता है या पर्टिकुलर कोई एक जगह होती है उस जगह बार बार उग जाता है तोड़ने काटने फेंकने के बावजूद भी, तो मान करके चलना चाहिए उस घर में रहने वाले जो भी मनुष्य होंगे एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद उनके वंश का नाश हो जाएगा, ये निश्चित है। एक वंश यानी एक पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा, बस अगली पीढ़ी में बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, शादी नहीं होगी या आएगा ही नहीं व्यक्ति ने। तो ऐसे बहुत से मकान हैं जिस वंश वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसे मकानों पर पीपल का वृक्ष उगाता है। और जो व्यक्ति निर्वंशी होता है यानी जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं,
उस निर्वंशी की जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि पीपल का वृक्ष आपके दोनों हाथों आपस में एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो, इतना बड़ा पीपल का वृक्ष का तना होना चाहिए, उसकी पूजा करना है। पीपल यानी नारायण, साक्षात नारायण, इनकी पूजा करने के लिए दूध, मीठी पूड़ियां, कुमकुम, दीपक, जनेऊ, पीला कपड़ा, इन सब की आवश्यकता होती है। तो पीपल का वृक्ष की ही पूजा होती है, पीपल के पौधे की पूजा नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य के यहां पर किसी पर्टिकुलर एक जगह पीपल के पौधे को या वृक्ष को हटाने के बाद दोबारा से उसी जगह पीपल उग के आ जाता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर पितृ दोष की छाया लग चुका है। अब आपको पितृ दोष की शांति करवाना है, और एक बार की पूजा से पितृ दोष शांत हो जाएंगे यह कहना बिल्कुल अनिश्चित है। इसलिए पूजा करते जाओ, यह मत पूछे कितने दिन पूजा करना है, और यह मत पूछे पूजा कैसे करना है। सिंपल साधारण तौर से पूजा करना है, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, फल, कपड़े, वस्त्र, जनेऊ इत्यादि, बस इससे पूजा हो जाती। फूल माला अवश्य चढ़ा दें, इत्र भी अवश्य डाल दें। तो जिन भी महानुभाव ने अभी तक पीपल के पौधे की पूजा की है, उनकी पूजा बिल्कुल भी नहीं लगी है, आपको शनि ग्रह की शांति के लिए दिन में पूजा करना चाहिए, 12 बजे के आसपास या फिर सूर्य अस्त होने के बाद। शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, पितृ दोष के लिए घी का दीपक लगाना चाहिए। पीपल का वृक्ष कितने वर्ष का है यह नहीं पूछना चाहिए। पीपल का वृक्ष जैसा मैंने बताया है, उसका तना इतना मोटा होना चाहिए कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसके तने को नहीं पकड़ सकता हो, बस इतना बड़ा तना अवश्य होना चाहिए। तो पीपल का वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृ देवता, प्रेत देवता सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे अशुद्ध स्त्री को भी नहीं रुकना चाहिए, अशुद्ध स्त्री को पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री पर ब्रह्म राक्षस का प्रभाव आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सी महिलाएं पानी गिरते समय, वर्षा होते समय, या कभी कोई भाई, पिता या पति छोड़ करके चला जाता है तो कहता है मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, तुम छाया में खड़ी हो जाओ, तो वह पीपल की छाया में खड़ी हो जाती है। तो स्त्रियों को पीपल के वृक्ष के नीचे अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया मासिक धर्म की अवस्था में, सूतक पातक की अवस्था में पीपल के वृक्ष के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल में ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का वास होता है, और जो नहीं मानता उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए आजकल, या कम दिमाग वाले लोग भी हो गए हैं, ये दोनों किस्म के लोग जो हैं इस विचारधारा को नहीं मान रहे और कष्ट भुगतने को तैयार हैं, कई बार पागल हो जाते हैं।
प्रेत लग जाता है, जिंद लग जाता है, जिन्नाद लग जाता है, ब्रह्म राक्षस लग जाता है, फिर ये निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। और जब तक पता लगता है तब तक पागल हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, गोली दवाई लेकर के ये साइड इफेक्ट्स से शरीर इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि फिर उनको चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगती है। इसलिए पीपल के वृक्ष की ही पूजा करें, छोटे पौधे की पूजा नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगाते, रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे भी बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं, पर ऐसा कहा गया, शास्त्र ये कहता। अब आपकी इच्छा, हम तो शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, यानी नहीं करना चाहिए। और यदि हम करते हैं तो पूजा स्वीकार नहीं होती है।